नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं आर्ड वाला हाट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने 7.0 में भी फोटोशॉप बताने के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है। तो मैंने देखा था, इसके आगे का मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी मेरे को लग रहा है कि फोटोशॉप 7.0 में भी फोटो बनाना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो। तो भाई का फोटो ले लिया है हमने, फोटोशॉप में ओपन करा लिया है। इसके बाद में जो भी काम होगा वो आपके सामने होगा, आपकी आंखों के सामने होगा, साफ साफ जो चीज मैं बनाऊंगा, जैसे भी बनाऊंगा वो चीज आपको क्लियरली नजर आएगी। तो चलो शुरू करते हैं इसका प्रोसेस। फोटो कैसी है, क्या है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसको बनाना कैसे है, इसको सेट कैसे करना है फोटोशॉप 7.0 में। तो ये फोटो है, इसका एक कॉपी बना लेता हूँ। सबसे पहले इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, जितना पॉसिबल हो या जितना ठीक ठाक लगे उतना चेंजेस करेंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है। लेयर के बटन में आप क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर लेयर वगैरह ये सब चीजें नहीं आ रही है तो क्या करना होता है, अगर ये सब चीजें नहीं आ रही, इसको मैं एक बार कट कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा से लेके आता हूँ। यहाँ पर विंडो में जाएंगे और इसको वर्क स्पेस और रिसेट का बटन है, यहाँ क्लिक कर देंगे तो अपने आप का रिसेट होके फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ये दोनों अनचेक होंगे तो दोनों को चेक कर लेना, ठीक है। इस टूल्स को ध्यान से समझेंगे, सारा मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है और क्यों करता है, कब करता है, ये सारी चीजों को मैं समझाता हूँ। आर्ट बालाघाट के यूट्यूब चैनल पर आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएगी, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज भरी वीडियो मिलेगी जिससे आप हर उस चीज को सीख सकेंगे जो आपको सीखना नहीं आता, बनाना नहीं आता, जो नहीं सीख पाए हैं वो सारी चीजें सीख पाएंगे। बस आप लोग वीडियो वॉच करिए और देखिए, और वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं अगर आर्टिकल आपको पढ़ना है तो। तो यहाँ पर मैं इस फोटो पे वर्क करूंगा। अगर किसी ने ये बोला मुझे कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो, तो फिर मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। अगर फिर मेरे को शॉर्ट वीडियो में समझ में नहीं आता तो फिर वो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि सर आपने ये बताया ये नहीं बताया और इतने जल्दी जल्दी कहाँ जाना है आपको जो ट्यूटोरियल बना रहे हो, या इतनी जल्दी बनाने से अच्छा है कि आप वीडियो ना बनाएं। तो चलो भाई ठीक है, धीरे बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर समझा सकें। आधे घंटे तक पूरा ऐसे बातें ही करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए कि कैसे काम करता है। अब ज्यादा बात नहीं करना चाहिए और इस काम पे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। माउस का कर्सर नहीं दिखता किसी को, क्या हो गया है, उनके फोन में नहीं दिखाई दे रहा है या फिर लो क्वालिटी में देख रहे हो आप। HD में देखो, 1080p में देखो या फिर उससे कम 720p पे देखो, तो HD में देखोगे सारी चीज साफ दिखाएगी। माउस का कर्सर है, लेयर पे आना है और यहाँ से इसको डुप्लीकेट लेयर में क्लिक कर दूंगा। अब जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ 01, आपकी अपनी मर्जी है, या फिर मैं 000 नाम दे देता हूँ, ठीक है, ओके। अब ठीक है, अब जो है ये फाइल बन के तैयार है अपने पास, इसके ऊपर काम करना है, नीचे वाली फाइल से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आएंगे और देखेंगे, यहाँ पर आपको बटन नजर आएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी का बटन नजर आएगा, ध्यान से देखेंगे, ये है ऑटो कलर। इसमें क्लिक करेंगे, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट बी दबा दें या फिर आप ऑटो कलर में दबा दें। जैसे ही दबाएंगे वैसे एक चेंजेस छोटा सा नजर आएगा जो कि ओरिजिनल कपड़ों को हाईलाइट करता हुआ नजर आएगा, जो कि ठीक ठाक है। कैसा है ये देखेंगे, पहले ऐसा था अब ऐसा है। इसके बाद में आप इसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं। काम क्या करना है, ब्राइटनेस में आना है और नीचे जो कंट्रास्ट उसको 2% बढ़ा देंगे, बस। वापस इधर आना है लेवल पे और लेवल को इस वाले बॉक्स को चेक करके थोड़ा आगे लाना है और इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना है, बस इतना काफी है, अब ठीक ठाक है। अगर चाहे तो आप इस पे कलर करेक्शन और कर सकते हैं, मैं कलर को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इधर आना है कलर बैलेंस में और यहाँ से इसको कम ज्यादा करके, जैसा आप देखोगे जैसा बनाओगे डिजाइन, जितना अच्छा कलर टोन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा उतना बढ़िया कलर टोन आपका बन के भी आएगा, ठीक है। ये हो गया और ये काम खत्म हो गया। यहाँ से करो का टूल लेंगे वापस दोबारा, जितना मुझे जरूरत है उतना मैं चला लेता हूँ, बस। अब हमारा लगभग फिनिशिंग कंप्लीट हो चुका है, देखेंगे पहले और अब में अंतर, पहले और अब, पहले और अब, पहले और अब में आप चेंजेस नजर आएगा आपको,
कि कैसे काम करता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अब ये अब मैं इसीलिए इसको डुप्लीकेट करके रखा था क्योंकि आपको कंपेयर करके दिखा सकूं कि कलर करेक्शन में कितनी चीजें मैटर करती, बस उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है मेरे को कि मैं डुप्लीकेट क्यों बनाता हूं और क्यों नहीं बनाता। तो यहां से फिटन इमेज कर देते हैं इसको, फिटन इमेज। तो ये मर्ज होके लॉक होके आ गया, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल क्वालिटी में आया है जो हम चाह रहे थे। ये हो गया। अब इसको हम पासपोर्ट बनाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ से क्रॉप टूल लेंगे और यहाँ से फोटोशॉप 7.0 में ऐसे काम कर रहा है ये चीज, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से क्रॉप में यहाँ डालेंगे 1.2, 1.4 और ये 300 का रिजोल्यूशन। याद रखिए 1200 जो होता है, 1200-300 जो होता है वो रिजोल्यूशन रखना अनिवार्य होता है, उससे क्वालिटी ठीक ठाक रहती है, कम जरूर होती है लेकिन थोड़ी ठीक ठाक रहती है। और दूसरी चीज ये जो है यहाँ पर इंचेस में रखना है, इसको इंच में रखना है तो इसको इंच कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको रहने देंगे ऐसे कैसा, और यहाँ से क्रॉप करेंगे। अब इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे इतना फोटो आपको लग रहा है और ये ठीक ठाक है मेरी समझ से, अब देखेंगे ये फोटो क्रॉप हो जाएगा। अगर जिस किसी को थोड़ा और नीचे तक चाहिए तो अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर लेगा, मेरे को फिलहाल यहाँ तक ठीक लग रहा है और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये इंटर कर लिया। जैसे इंटर कर लिया ये फोटो कुछ क्वालिटी बेसिकली कम हो चुकी है इसकी, लेकिन ठीक ठाक है, जो पहले थी उससे तो बेहतर ही, ठीक है। और ये हो गया। अब यहाँ पर पासपोर्ट बन के तैयार है, क्रॉप होके तैयार है फोटो। अब यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं साइड में ब्लैक वाला, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट का बटन नजर आ रहा है, आल में सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कीबोर्ड का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, और जो भी चीज कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ। बॉर्डर लगाने के बाद स्ट्रोक में आएंगे, यानी ये जो लाइन चल रही है सर्कल, उस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे और स्ट्रोक में क्लिक करेंगे और यहाँ से 5 क्लिक कर देंगे और ब्लैक रहने देंगे और इसको इनसाइड कर देंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। इनसाइड करने पर एक्यूरेट इधर अंदर की ओर काम करेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, सेंटर पे भी वही काम करता है, लेकिन मैं इनसाइड रखना ज्यादा ठीक समझता हूँ। तो ये ठीक है, सभी जगह में नहीं, जहां जरूरत है वहां रखें, नहीं तो सब जगह में चेंजेस करेंगे तो कुछ चीजें अलग नजर आएगी आपको। तो ये हो गया हमारा बनके तैयार, बॉर्डर लग चुका। अब बारी आती है इसको सेट कैसे करेंगे प्रिंट आउट निकालने के लिए, वो भी कर लेते हैं। यहां से इसको छोटा करेंगे और इसको इधर पे ड्रैग करके रख देते हैं। इससे ज्यादा आसानी से शायद यूट्यूब में कोई नहीं समझा सकता और शायद से मैं भी नहीं समझा पाऊंगा दोबारा। ये हो चुका है और फाइल में आना है, न्यू में क्लिक करना है और यहाँ से एक साइज ले लेना है 4:6 का पेपर जो 300 रिजोल्यूशन के साथ सेट है। अब इसको ओके क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से इस फाइल को सीधे मूव करके ले जाएंगे यहाँ, ठीक है, आ गई। लेकिन अगर कई लोगों को नहीं आता है तो क्या करना है, इसको अगर मूव करते ले जा रहे हैं, इतने भी ज्यादा आप नौसिखिया नहीं है जो आपको मूव करते नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो भी उसके लिए भी ऑप्शन बता रहा हूँ क्या करना है आपको। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे वापस और इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आके इस पेज में आके पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। लेकिन अब अगर मान लो ये सिलेक्टेड नहीं है, अब मैं यहाँ से लेके आ रहा था तो भी तो एक ही बात है, इसको ऐसे मूव करा के लेके आ रहा था, देखेंगे मूव करा के एक ही बात आ रही थी कि नहीं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर ये सारी चीजें छोड़ दूंगा और शुरू से बता देता हूँ। इसको सीधे सीधे यहाँ से कॉपी करेंगे, सिलेक्ट ऑल, याद रखिए सारे लेयर लॉक होना चाहिए, और एक कॉपी, और यहाँ से कॉपी दोबारा कर लेता हूँ और इस वाले पेज में आके पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये पेस्ट यहाँ पर आ चुका है। अगर आप चाहें, अगर आपको यहाँ से दिक्कत होती है तो दोबारा पेस्ट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से फिर से दूसरा फोटो सेट कर लेंगे, ठीक है। एक और बार पेस्ट करेंगे और यहाँ से फिर ये वाला फोटो सेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं आपस में सेट कर लूंगा। अब ये हो गया, ये ठीक ठाक मेरे समझ से हो चुका है। ये हो चुका है सेट तीनों। अब तीनों सेट हो जाने के बाद में ये सारी फाइलों को यहां से कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सॉरी यहाँ से इसको हटा लेंगे पहले,
और कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें नहीं होता है कंट्रोल साथ सिलेक्ट, तो क्या करेंगे, याद रखिए कुछ भी कठिन नहीं बताया मैंने, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किया और सेट किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। और रही बात यहाँ पर जो उपद्रव कर रहा था, ये जो था ये अलाइन करने के लिए था, अगर ये फोटो नीचे है और इसके साथ जमाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलाइन हो जाए, सॉरी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलाइन हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और इस साइड से शुरू करना है आपको तो उधर पे अलाइन होगी, ठीक है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये अलाइन कर लेते हैं, ठीक है, अलाइन हो गई। अभी अलाइन हो जाने के बाद ये तीनों लिंक है आपस में, ये जो है इसका लिंक है, ठीक है, इन तीनों को मर्ज कर लेंगे आपस में, ठीक है। कहाँ से मर्ज करते हैं, इधर से, ये मर्ज, यहाँ लिखा है मर्ज लिंक, ठीक है, लिंक जो जो है तीन है लिंक, तो तीनों मर्ज हो जाएंगे, लिंक हो गया, तीनों एक फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब इसकी कॉपी बनाना है, कॉपी बनाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट तीनों बटन एक साथ प्रेस रखेंगे और एक बार ड्रैग करेंगे तो फाइल बन जाएगी, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट दोबारा से ड्रैग करेंगे तो यहाँ फाइल बन जाएगी, अगर ये चीज नहीं आता वापस से ड्रैग करेंगे तो ये फाइल बन जाएगी, ठीक है। अगर मान लो आप लोगों को ये चीज नहीं आता तो आपको बिल्कुल उससे भी आसान तरीका यह है कि इसको लॉक तो कर ली, यहाँ से सिलेक्ट करो और इसकी कॉपी कर लो और यहीं पर पेस्ट करते जाओ, वापस एक बार और पेस्ट करो, वापस एक बार और पेस्ट करो। इससे ज्यादा आसानी से नहीं समझा पाएंगे शायद पूरे यूट्यूब में, तो मैं इससे बेहतर तो नहीं समझा पाऊंगा। ये हो गया और अब आप ये रेडी टू यूज है, अब आप इस पे फोटो बना सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल पी का बटन दबाएंगे और ये प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा ये, और यहाँ से इसको अनचेक सॉरी इसका साइज जरूर चेंज कर लेना अगर आप लोग इसमें प्रिंट आउट करते हैं तो, ठीक है। ये 4:6 हो गया। अब आप कोई भी जो प्रिंटर लगाए होंगे उससे आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हुआ तरीका पासपोर्ट साइज बनाने का, अगर आप चाहें तो यहाँ से सीधे सीधे इसको सेव भी कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये काम करना है तो जरूर आप लोग सेव कर लिए, यूज करिए, मस्त स्वस्त करिए काम बढ़िया तरीके से, और उम्मीद है कि बहुत धीरे से बहुत आराम से सब कुछ बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, अब चीजें समझ में आएगी, अब नेगेटिव कमेंट मेरे को देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अगर आप लोग तब भी सेटिस्फाई नहीं है तो फिर मैं अपने जो मन में आए वो तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ऐसी चीजें बनाऊंगा जो और एडवांस होगी ताकि आप लोग समझ सके एडवांस से एडवांस चीजों को, ताकि ये बेसिक चीजों में आपको दिक्कत ना जाए। जो लोग इजी में समझना चाहते हैं एक वीडियो देख के सारे चैनल का वीडियोस गलत साबित कर देते हैं क्या, नहीं ना, एक वीडियो आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब पूरे चैनल की वीडियोस को गलत साबित कर देते हो। भाई थोड़ा रुक जा, आराम से देख ले, समझ ले चीजों को, उसके बाद में कमेंट करना अपना। तुम्हारे एक कमेंट से मैं कितना डिमोटिवेट हो जाता हूँ, ट्यूटोरियल नहीं बना पाता, ये मैं समझ सकता हूँ, आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन आप उस चीज को वॉच करो। अगर आपको इतना ज्यादा आता है, जो लोग हेट करते हैं उनसे बोलता हूँ, अगर आपको ये सब आता है तो आप फिर यहाँ वीडियो देखने क्यों पहुंचे हो, वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे आए हो, सीखोगे तब तब ध्यान से समझोगे, ना कि हेट करोगे, मेरे से नफरत करके क्या मिलेगा भाई, मैंने आखिर ऐसा क्या करा हूँ आपका, कोई नुकसान कर दिया, मैं तो आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिखा सकूं, बेहतर से बेहतर चीजें पहुंचा सकूं, फिर मैंने क्या कर दिया। तो बस वही चीजें, बातें बहुत सारी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद, जय भीम।